हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता जी की कुकिंग चैनल। गर्मियां आ गई हैं और अब ठंडाई खूब चलेगी। ट्रेडिशनली ठंडाई के सभी इंग्रेडिएंट्स को रात को भिगो दिया जाता है, सुबह पीसा जाता है और फिर ठंडे दूध में मिक्स करके सर्व किया जाता है। मगर आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ठंडाई पाउडर, तो अब जब भी आपका मन करेगा आप ठंडाई पी सकते हैं। बस एक ग्लास ठंडे दूध में 2 चम्मच इंस्टेंट ठंडाई पाउडर मिला दीजिए और सर्व कर दीजिए। तो चलिए इस इंस्टेंट ठंडाई पाउडर की रेसिपी देख लेते हैं। इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप चीनी, 1/3 कप बादाम, 1/4 कप पिस्ते, 8 से 10 हरी इलायची, 1/4 कप खरबूजे के बीज, 1.5 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 कप मोटी सौंफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में काली मिर्च डालेंगे, हरी इलायची, मोटी सौंफ, चीनी और खरबूजे के बीज। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और इन सभी चीजों को तब तक पीसेंगे जब तक ये पाउडर फॉर्म में नहीं आ जाते। 1-2 बार ढक्कन खोल के इस तरीके से बीच में चलाते रहेंगे ताकि सभी चीजें अच्छे से पिस जाएं। दोबारा एक बार पीस लेंगे इसको और 2 से 3 बार पीसने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीजें अच्छे से पिस गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे बादाम और हरे पिस्ते। बादाम और हरे पिस्ते को हम एंड में इसलिए डालते हैं क्योंकि इतना पिसने के बाद हो सकता है कि इनका ऑयल बाहर निकल आ जाए और वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको भी हम बिल्कुल महीन पाउडर होने तक पीस लेंगे और यहाँ पे हमारी सभी चीजें अच्छे से पिस गई हैं। तो अब हम अपने पाउडर को एक छलनी से छान लेंगे। छलनी थोड़ी सी मोटी वाली ही लीजिएगा वरना छानने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इस ठंडाई पाउडर को आप दूध में डाल के तो दे ही सकते हैं, मगर अगर आपके बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं तो आप इसको ऐसे ही कटोरी में सर्व करके दे सकते हैं या फिर रोटियों के आटे में भी गूंथ सकते हैं। हमारा ठंडाई पाउडर छन चुका है तो अब हम इसको एक एयर टाइट डब्बे में डाल देंगे। पाउडर को डब्बे में डालने के लिए यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर का एक कोन बनाया है ताकि हमारा पाउडर इधर उधर ना गिरे। लीजिए, इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनके तैयार है। एंजॉय। तो ये रेडी हो गया हमारा ठंडाई पाउडर। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि इसी तरीके की रेसिपीज मैं आपके सामने ला सकूं। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।